आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं 1935 का एक्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस एक्ट, हाँ, ये एक्ट कब प्रपोज किया गया था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये जो एक्ट है कब प्रपोज किया गया था, आप सभी को मैंने बताया था, जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये जो एक्ट है इसको प्रपोज किया गया कि ऐसा एक्ट लाना चाहिए। चलिए पहला पॉइंट देखिए क्या है इसमें। पहला पॉइंट इसमें क्या है, इसमें क्या किया गया, प्रोवाइडिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोवाइड किया गया है 1935 के एक्ट में। सेकेंड पॉइंट, इंट्रोड्यूस डायार्की एट सेंटर। क्या किया गया, डायार्की को सेंटर में लाया गया और साथ ही साथ प्रोविंसेस में डायार्की को खत्म किया गया। प्रोविंसेस में जो डायार्की थी इसको एबॉलिश किया गया, उसके बाद सेंटर में डायार्की लाई गई थी। अब आपको एक चीज़ ये बताना है कि प्रोविंसेस में डायार्की कब आई थी, इसको मैंने बताया था, आप बताइएगा। थर्ड पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो स्थापना है वो कौन से एक्ट से किया गया, 1935 से। फेडरल कोर्ट वॉज सेटअप इन 1937। इसी एक्ट से प्रपोज किया गया फेडरल कोर्ट, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट अभी प्रेजेंट में कहते हैं, इसी एक्ट से इसको लाया गया था। कब किया गया, 1937 में। क्या पांचवा पॉइंट है, सेपरेट बर्मा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। पहले क्या था, जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था बर्मा, जिसको हम म्यांमार बोलते हैं आज के समय में, तो इसको क्या कर दिया गया था, भारत से सेपरेट किया गया। कौन से एक्ट में, 1935 के एक्ट में। ये सवाल अभी पूछा नहीं गया है लेकिन संभावना है इसके पूछे जाने की, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, छठा पॉइंट, इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 out of 11 प्रोविंसेस। जो 11 उस समय पर प्रोविंसेस थी उनमें से 6 में क्या किया गया, बाइकैमरलिज्म को लाया गया। बाइकैमरल का मतलब क्या होता है, जहाँ प्रोविंसेस में हम कहेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा राज्यसभा सेंटर पे आता है। लोकसभा राज्यसभा कहाँ आता है, सेंटर में। लोकसभा राज्यसभा कहाँ आता है, सेंटर में। और प्रोविंसेस में आता है विधानसभा विधान परिषद। अगर हम अभी प्रेजेंट में देखें तो कोई ऐसा राज्य नहीं है, मतलब पूरे भारत में अगर मिला दें, कोई ऐसा राज्य पूरे भारत में अगर हम बात करें तो सभी राज्यों में ना तो विधान, मतलब दोनों नहीं है, मतलब कहीं पे विधानसभा है तो कहीं पे विधान परिषद है, लेकिन कुछ जगह पर ये दोनों है, तो उसको हम बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। तो 11 प्रोविंसेस में से 6 में क्या किया गया था, बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए देखिए अब अगला आता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें कुछ खास दो तीन बातें जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला, ब्रिटिश उस समय पर पीएम कौन थे, क्लीमेंट एटली। ये आपसे पूछा जाता है उस समय पर पीएम कौन थे, तो याद रखिएगा क्लीमेंट एटली। इन्होंने क्या किया, एक अनाउंसमेंट किया, कब किया, 20 फरवरी 1947 को। अनाउंसमेंट ये किया गया कि 30 जून 1947 को हम क्या कर देंगे, भारत को उसकी सारी शक्तियाँ वापस कर देंगे, उनको लौटा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसी के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया। अब आता है जब 30 जून को कहा गया है, तो उसके पहले ही 3 जून 1947 को इन्होंने एक नोटिस जारी किया, और नोटिस में ये लिखा गया कि जो भी, जैसे कि अब अगला जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो वो क्या बनाएंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपना लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे। तो उन्होंने एक बात वहाँ क्लियर करी, 3 जून 1947 की डेट है, इसको उन्होंने एक नोटिस जारी करके ये क्लियर किया कि कोई भी ऐसा कर, कोई भी स्टेट है या फिर कुछ भी, कोई जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोविंस है, वो भारत में नहीं जुड़ना चाहे, उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाएगा कि वो भारत में आके जुड़े, उनके पास अपना राइट है सॉवरेन होने का, तो वो स्वतंत्र हो सकते हैं। ये इन्होंने क्या किया, एक नोटिस जारी किया। अब इस नोटिस जारी करने के बाद इसी डेट को 3 जून 1947 को क्या आता है, माउंट बेटन प्लान आता है। क्या आता है भारत में, माउंट बेटन प्लान। और इनका प्लान क्या था, डिवीजन का प्लान था, मतलब जो आज हम भारत और पाकिस्तान अलग अलग देखते हैं उसी के लिए डिवीजन के लिए जो है कानून रखा, मतलब एक प्रस्ताव रखा, जिसको नाम देते हैं क्या, माउंट बेटन प्लान। आपसे पूछा जाता है माउंट बेटन प्लान कब आया था, तो आया था 3 जून 1947 में। और इसी एक्ट में क्या किया गया, वाइस राय जो आप पद देखते हैं इसको क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। मैंने आपको बताया था पहले होते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये पद किस में चेंज होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये किस में चेंज होते हैं, वाइस रॉय में चेंज होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक थे। और वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। याद करने की ट्रिक क्या है, डब्ल्यू बी सी,
WBC ब्लड का पिगमेंट है, आपको पता है, तो उसमें आता है WBC में, तो तीनों को ध्यान रखिएगा। पहले कौन थे, अब यहाँ पे देखिए वॉयस हुआ, हाँ एक भी चीज़ और ध्यान देंगे, कब कब ये पद चेंज हुए हैं, ये हुआ है 1773 में, ये वाला हुआ है 1833 में, और लास्ट वाला जो है 1858 में, ठीक है। तो ये जो वॉयस राय का पद है कब एबॉलिश हुआ, 1947 का जो प्लान आया था, एक्ट आया था, उसमें ये चेंज किया गया था, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया है, अब हम अगले वीडियो जो होगी उसमें ये पढ़ेंगे कि उस समय पर हमारा भारत आज़ाद हुआ 1946 में और 1947 में कौन कौन से मिनिस्ट्री किसके पास थे, आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं, तो मिनिस्ट्री के ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।